अंत में दीर्घ हार में जीवन के शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। देश की राजनीति का रंग बदल चुका है, दुनिया के इस लोकतंत्र के नारे भी बदल चुके हैं। पूरा यूपी बोल रहा है, योगी योगी बोल रहा है। और पहचान लगातार बदल रही है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता के शिखर पर जा पहुंची है और अपनी लोकप्रियता के चरम पर भी। ये एक ऐसी राजनीति की कहानी है जिसने जनमन के नायकों को गढ़ते हुए देखा है और जिसने जनमत को प्रचंड बहुमत में बदलते देखा है। 10 सदस्यों से 10 करोड़ सदस्यों तक पहुंचने का लंबा सफर बीजेपी ने जिस घर से तय किया उसका नाम है बंगला नंबर 11, अशोक मार्ग, नई दिल्ली। बंगला नंबर 11 अशोक मार्ग बीजेपी के बुरे दिनों का साथी भी और बीजेपी के उदय का साक्षी भी। बीजेपी अपने 38वें बरस में जा पहुंची है और उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा गवाह है 11 अशोक मार्ग, यानी बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय। इन 5 राज्यों के चुनाव को नए हिंदुस्तान की एक नई नींव के रूप में मैं देख रहा हूं। 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया। गर्व से भरा क्यों ना हो 11 अशोक मार्ग, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का घर जो है। 11 अशोक मार्ग को अभिमान हो भी क्यों नहीं, आखिर देश की सत्ता और देश की ज्यादातर राज्यों की सत्ता की रणनीतियां उसी के आंगन में बनती हैं। इसी बंगले ने बीजेपी को पनपते फलते फूलते देखा और अब भारतीय राजनीति के आसमान पर उसे चमकते हुए देख रहा है। 11 अशोक रोड और बीजेपी का नाता 32 साल पुराना है। 21 मार्च 1985 को ये बंगला बीजेपी को अलॉट हुआ था। राजीव गांधी की सरकार के दौरान बीजेपी को ये बंगला दिया गया था। उससे पहले यहाँ पर वर्तमान राष्ट्रपति और पूर्व कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी रहा करते थे। 11 अशोका रोड ही बीजेपी का दफ्तर सही तौर पर माना जाएगा या लोगों के जहन में रहेगा। इस दफ्तर को बनाने में बहुत लोगों का रोल रहा। आडवाणी जी का बहुत बड़ा रोल था इस दफ्तर को मजबूत करने और इसे केंद्र बनाने में। कभी जनसंघ के बरगद से निकली एक शाख थी बीजेपी। साल 1977 आपातकाल हट चुका था। लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी की मातृ संस्था भारतीय जनसंघ चुनाव में उतरी। माहौल कांग्रेस के खिलाफ था। इस चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। कांग्रेस विरोधी दलों को मिलाकर जनता पार्टी बनाई गई। जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। इसी सरकार में जनसंघ के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री, भारत की प्रभुता, मैं विधि द्वारा, और लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। भारत के संविधान के प्रति आपसी गुटबाजी और लड़ाई की वजह से ये सरकार 30 महीनों में ही गिर गई। साल 1979 खत्म होने को था। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी की नींव रखने का मन बना लिया। 6 अप्रैल 1980 इसी दिन बीजेपी की नींव रखी गई। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इसके संस्थापक सदस्य थे। पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। उस समय बीजेपी के सिर्फ 10 सदस्य थे। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, इसके लिए भी
मैं प्रतिनिधियों का आभारी हूँ। जिस वक्त बीजेपी का गठन हुआ उस दौर में कांग्रेस एक महाशक्तिशाली पार्टी हुआ करती थी। 80 के दशक में बीजेपी का कोई राजनीतिक भविष्य तक नहीं था। उस वक्त पार्टी का मुख्यालय 11 अशोक रोड नहीं था, बल्कि स्थापना के काफी दिनों तक पार्टी का कामकाज जनसंघ के अजमेरी गेट वाले दफ्तर से ही चला। साल 1984, तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी। इसी साल हुए आम चुनाव में कांग्रेस को बड़ा भावनात्मक फायदा मिला। कांग्रेस ने 404 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 1984 में बीजेपी पहली बार आम चुनावों के मैदान में उतरी। चुनावी नतीजों में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई, एक सीट आंध्र प्रदेश से तो दूसरी गुजरात से। आंध्र प्रदेश की हनामकोंडा सीट से सी जंगारेड्डी ने चुनाव जीता था और गुजरात की मेहसाणा सीट से AK पटेल ने। 1984 का चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और दिसंबर में चुनाव हुए थे और उसमें मतलब नवंबर में ही चुनाव हो गए थे, दिसंबर तक उसके नतीजे आए थे। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, चूँकि वो पहला चुनाव था भारतीय जनता पार्टी के रूप में उसका, तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट संख्या तो याद नहीं है लेकिन लगभग 300 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े थे वो, और उनको उम्मीद ये थी कि हम सरकार बनाएंगे। वो पहले चुनाव में ही 2 सीटों पर सिमट गई थी और उसमें अटल जी भी चुनाव हार गए थे 1984 में, और 2 जो चुन के आए थे वो आंध्र प्रदेश से एक जंगारेड्डी चुन के आए थे और उन्होंने हराया था नरसिम्हा राव को, और दूसरे AK पटेल चुन के आए थे महसाणा से गुजरात से। भारतीय लोकतंत्र में विपक्षी नेता की सबसे लंबी भूमिका निभाने वालों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इस हार से निराश नहीं हुए थे। उन्होंने मन में ठान लिया था कि एक दिन कमल खिलाना है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 1985 में यहां बीजेपी का दफ्तर बना। पार्टी की तमाम रणनीतियां इसी दफ्तर में तैयार की जाने लगी थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत पार्टी के बाकी नेता इसी दफ्तर से पार्टी की नींव मजबूत करने में लगे थे। कांग्रेस सरकार के दौरान राजीव गांधी पर बोफोर्स तोप घोटाले के आरोप लगे। भाजपा ने बोफोर्स तोप सौदे को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को घेरा। भ्रष्टाचार वैसे इशू बनता कि न बनता, कांग्रेस के इस निर्णय ने उसको निश्चित रूप से बना दिया। 1989 के आम चुनाव में बीजेपी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल से सीटों का तालमेल किया। ये रणनीति बीजेपी के लिए कारगर साबित हुई। 1984 में बीजेपी संसद के भीतर महज 2 सीटों वाली पार्टी थी, लेकिन 1989 में ये संख्या बढ़कर 89 तक पहुंच गई। 89 का चुनाव हुआ, जिस चुनाव में एक अंदर समझौता हुआ जिसमें वीपी सिंह ने ये कहा कि मैं मंच पे नहीं जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मैं उन जगहों पर जाकर के प्रचार भी नहीं करूंगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं। नतीजे के तौर पे 89 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसके सिर्फ 2 सदस्य थे, 89-90 सदस्य चुने गए लोकसभा में। बीजेपी भारतीय लोकतंत्र में अपनी मौजूदगी का एहसास तो करा चुकी थी, लेकिन पूर्ण बहुमत वाली ताकतवर सत्ता उसे नसीब नहीं हुई थी। साल 1990 बीजेपी को देशभर की राजनीति में पहचान दिलाने वाला साल रहा। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़ी जातियों और जनजातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की। इसी बीच बीजेपी ने मंडल का जवाब कमंडल की राजनीति से दिया। इसी 11 अशोका रोड दफ्तर से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सरीखे पार्टी के बड़े नेताओं ने राम मंदिर आंदोलन की भूमिका बनाई। यहीं से बीजेपी के नेताओं ने अयोध्या में बाबरी की जगह राम मंदिर बनाने की बात कहना शुरू किया। इसी दफ्तर से पार्टी ने बीजेपी की रथ यात्रा का भी खाका तैयार किया, जिसके आधार पर पार्टी को भविष्य में सत्ता मिलनी थी। 25 सितंबर 1990 सोमनाथ से बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के लिए रथ यात्रा की शुरुआत की। देश भर की सड़कें केसरिया रंग से रंग उठी। ये रथ यात्रा बीजेपी के उभार का आधार थी और कांग्रेस की नींव उखाड़ फेंकने वाली कुदाल।
21 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। आडवाणी की रथ यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या में खत्म होनी थी। 13 सितंबर 1990 को इस रथ यात्रा की जिम्मेदारी नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दे दी गई थी। तब वो गुजरात इकाई के प्रबंधन महासचिव थे। इस तरह मोदी पहली बार राजनीति के राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका में सामने आए। मोदी जी अडवाणी जी के ज्यादा करीब थे। मोदी जी अडवाणी जी के वैचारिक रूप से, चूंकि हिंदुत्व का एजेंडा अडवाणी जी फॉलो कर रहे थे, वो उसके नेता थे। अटल जी हिंदुत्व के एजेंडे पर नहीं चल रहे थे, उदारवादी एजेंडे पर चल रहे थे। स्वाभाविक रूप से मोदी जी जो है उनका झुकाव अडवाणी जी की तरफ था, अडवाणी जी के साथ ही थे। जब केशुभाई पटेल को हटा करके मुख्यमंत्री बनाया गया तो सारा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अडवाणी जी की थी। साल 1991 के आम चुनाव में ही प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। माना जा रहा था कि सहानुभूति की लहर पर सवार कांग्रेस बड़ी पार्टी बनेगी, लेकिन यह राम मंदिर आंदोलन ही था जिसके बूते इस आम चुनाव में बीजेपी ने 119 सीटों पर जीत दर्ज की। संसद में 89 सीटों से 119 सीटों पर पहुंचना बीजेपी के राजनीतिक सफर में एक बड़ा पड़ाव था। उस दिन अशोक रोड स्थित इसी 11 नंबर बंगले में जश्न मनाया गया था। बीजेपी संसद में 2 नंबर की पार्टी बन चुकी थी, लेकिन सत्ता की मंजिल अब भी दूर थी। अशोक रोड के बंगला नंबर 11 से चलने वाली एक छोटी सी पार्टी राम मंदिर आंदोलन के जरिए देशभर में पहचान बना चुकी थी। इसके नेता अटल और अडवाणी करीब 40 साल तक विपक्ष की भूमिका निभा चुके थे। ताकि मैं सरकार से बात करूंगा एक बार। 1996 में भारतीय जनता पार्टी 161 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया था सरकार बनाने के लिए। लेकिन सदन में बहुमत न होने की वजह से मात्र 13 ही दिन में उनकी सरकार गिर गई थी। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने करीब 1 घंटे लंबा भाषण दिया। दिन था 27 मई 1996। अध्यक्ष महोदय, एक बात और इस चर्चा में कही गई जिसका मैं उत्तर देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं है। काऊ बेल्ट, जो काऊ बेल्ट जिससे कहा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लेखित करना, ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। 1998 में एक बार फिर आम चुनाव हुए। नारा दिया गया, राज तिलक की करो तैयारी, अब की बारी अटल बिहारी। नारे का असर भी दिखा। 181 सीटों पर जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। डियर श्री वाजपेयी जी, आई हैव प्लेजर टू अपॉइंट यू एज द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये सरकार भी लंबी नहीं चल पाई। सरकार में सहयोगी AIADMK की जे जयललिता के समर्थन वापस लेने से एक बार फिर से सरकार गिर गई। 1999 में फिर से आम चुनाव हुए। ये चुनाव जीतकर 23 पार्टियों के साथ गठबंधन करके अटल जी ने एक बार फिर सरकार बनाई। इस गठबंधन को नाम दिया गया NDA। लेकिन अटल की आंखों में वही सपना था जो 27 मई 1996 को उन्होंने देखा था। मुझे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उस दिन संसद के निचले सदन से ही अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा कर दी थी कि 11 अशोक रोड से संसद के ट्रेजरी बेंचेस तक का सफर तय करने वाली पार्टी एक दिन इसी सदन में बहुमत के साथ भी आएगी। आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को विश्वास था कि पार्टी एक दिन बहुमत हासिल करेगी, लेकिन उस वक्त किसी को पता नहीं था कि वाजपेयी का ये सपना पूरा करने वाले शख्स नरेंद्र मोदी होंगे। नरेंद्र मोदी उन दिनों पार्टी के महासचिव हुआ करते थे और 11 अशोक रोड से सटे बंगले 9 अशोक रोड के
आउटर हाउस में रहते थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी तब 11 अशोक रोड के करीब बंगले में रहते थे। मोदी उन दिनों लगातार अटल जी के संपर्क में रहते। 11 अशोक रोड पर ही पार्टी भविष्य की नीतियां तय करती। इसी दौरान 2001 में वो मौका भी आया जब इसी 11 अशोक रोड से अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। नरेंद्र मोदी गुजरात में बहुत घूम चुके थे और गुजरात उनकी हथेली की तरह था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और उनका सपना था भारत में कांग्रेस के बजाय बीजेपी को मजबूत विकल्प बनाना। 2004 से 2014 तक बीजेपी के कई अध्यक्ष बदले, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने से अभी तक बहुत दूर थी। साल 2013, काल के कपाल पर लिखने और मिटाने वाले अटल खुद कालचक्र की चाल में फंस कर रह गए। उनके शब्दों को खामोशी निगल गई। बीमारी ने बिस्तर पर धकेल दिया, लेकिन अभी भी उनका सपना अधूरा था। बीजेपी को बहुमत मिलना अभी बाकी था। साल 2013 में 11 अशोक रोड से चलने वाली बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। देश भर से मोदी मोदी की आवाज उठ रही थी। पार्टी अध्यक्ष को यह तय करना था कि आम चुनाव मोदी की अगुवाई में लड़ा जाए या नहीं। बड़ा सवाल ये था भाजपा के संसदीय बोर्ड के सामने, भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के सामने, कि नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जाए कि न किया जाए और कैसे किया जाए, और इसमें फैसला संघ को भी लेना था। उस पूरे मामले में मोदी जी ने बहुत जबरदस्त व्यू रचना की। दिल्ली के संसदीय बोर्ड में उन्होंने मैक्सिमम लोगों को अपना समर्थक बनाया, अधिकतम लोग उनके समर्थक हो गए, और एक राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे पार्टी के, तो सबसे पहले तो राजनाथ सिंह मोदी जी के पक्ष में आए। अरुण जेटली उनके पक्ष में पहले से ही थे, फिर वेंकैया नायडू और तमाम सारे लोगों को पक्ष में रखा गया। अडवाणी ने चिट्ठी भी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि पार्टी जो है दीनदयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी की नहीं है, रूठे घर में बैठे रहे। इस सब के बावजूद वो अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए पार्टी में, और पार्टी पूरी तरह से मोदी जी के साथ खड़ी हो गई, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को मिल गया। आखिरकार बीजेपी ने बदलाव का कदम उठा लिया। दशकों तक 11 अशोक रोड में बैठकर पार्टी चलाने वाले आडवाणी ने अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाया और खुद सक्रिय राजनीति के रथ से उतर गए। आज मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है। अब पार्टी की कमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथ में थी। नरेंद्र मोदी ने 473 रैलियां की और 3,00,000 किलोमीटर की यात्रा की। तब कोई नहीं जानता था कि ये बदलाव की यात्रा साबित होगी। 16 मई का सूरज उगा तो बीजेपी दिन चढ़ते चढ़ते जश्न में डूब गई। 2014 में 11 अशोक रोड एक ऐसे ऐतिहासिक जलसे का गवाह बना था जिसका इंतजार शायद उसे लंबे समय से था। बीजेपी प्रचंड बहुमत से लोकसभा चुनाव जीती थी और प्रधानमंत्री मोदी खुद चलकर उसके आंगन में पहुंचे थे। 2014 से लगातार बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी है। अटल जी का सपना पूरा हो रहा है और 11 अशोक रोड अक्सर ऐसे जलसों का गवाह बन रहा है जो बीजेपी की विजय गाथा गा रहे हैं। जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शिक्षक आकर्षक अरमानों को जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।